नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग ऐप आपको कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन ना यहाँ पे पांच ऑप्शन दिखेंगे नीचे, डिस्कवरी, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और फंड्स। यहाँ पे अगर हम फंड्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फंड्स आपको दिख जाएंगे। जैसे हमारा 400 रुपये हमारे इस पे हैं, तो 400 रुपये आपका जितना भी यहाँ पे फंड होगा वहाँ आपको दिख जाएगा। और ऐड फंड करने के लिए आप ऐड फंड में क्लिक करके यहाँ से फ़ंड ऐड कर सकते हैं, और विड्रॉल करने के लिए यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं विड्रॉल अमाउंट डालने के बाद। तो यहाँ पे ऑर्डर में आपको आपके ऑर्डर्स दिखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स जो भी हैं, और पोजीशन में जो ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो ऑर्डर आपको यहाँ पे पोजीशन में शो होंगे। यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, और वॉच लिस्ट में आपको जो भी आपने वॉच लिस्ट बनाई होगी। जैसे हम यहाँ पे वॉच लिस्ट बना देते हैं एचडीएफसी बैंक हम ऐड कर देते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, तो ये ऐड हो गया। ऐसे आप जो भी स्टॉक्स पे अपना व्यू नज़र रख रहे हैं वहाँ पे आप वॉच लिस्ट में ऐड करके उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्कवरी में आप क्लिक करेंगे तो डिस्कवरी में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड, IPOs, SGB, इंश्योरेंस और OFS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवाइजरी में देख लेते हैं। एडवाइजरी में आपको यहाँ पे इनकी फ्री कॉल्स मिलती हैं, इंट्राडे कॉल्स, शॉर्ट टर्म कॉल्स, लॉन्ग टर्म कॉल्स यहाँ पे आपको फ्री में मिलती हैं। और इनके कॉल्स का आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। लास्ट 90 डेज में 130 इंट्राडे कॉल्स, इनने जितनी भी इंट्राडे कॉल्स दी हैं 134 नेगेटिव कॉल रही हैं इनकी, और 298 पॉजिटिव कॉल्स रही हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देख देते हैं इनकी 3 एक्टिव कॉल्स हैं, क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कोल इंडिया, MGL और टाटा मोटर्स में इनकी इंट्राडे कॉल अभी एक्टिव है। और हम शॉर्ट टर्म अगर इन कॉल्स देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कौन कौन सी शॉर्ट टर्म कॉल्स एक्टिव हैं। और वहीं अगर लॉन्ग टर्म देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्या क्या रिकमेंड किया है इनने, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इनने ये अपनी लॉन्ग टर्म कॉल इनने दी हुई है। तो यहाँ पे कॉमोडिटीज़ में भी ये कॉल देते हैं और करेंसीज में भी देते हैं, लेकिन अभी इनने कोई भी कॉल नहीं दी है। तो एडवाइजरी से आपको यहाँ पे फ्री कॉल्स मिलती हैं इनकी, बाय और सेल कॉल। और अगर फिर यहाँ पे आप IPO सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आप किसी भी IPO में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी कोई भी IPO ओपन नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ से आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, OFS ऑफर फॉर सेल में भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप क्लिक करेंगे तो इनका एंजल बी करके एक दूसरा ऐप है म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। यहाँ पे आपको जैसे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, तो यहाँ पे आपको एनुअलाइज रिटर्न भी दिख रहे हैं, 1 ईयर के 8.4, 3 ईयर्स के 13.8 एंड 5 ईयर के 12.4। और यहाँ पे स्कीम का साइज भी दिख रहा है 31,235 करोड़। यहाँ पे आप इसमें क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने इनको कितना रेट किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको बैलेंस फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो बैलेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट फंड्स, टैक्स सेविंग, ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे। अब किसी में भी आपको जो भी पसंद आए आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने गोल भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम गोल्स में क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे अलग अलग आपका गोल क्या है, बिल्ड वेल्थ, सेकेंड इनकम, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्ड होम, रिटायरमेंट, अलग अलग यहाँ पे गोल्स हैं। जैसे हम बिल्ड वेल्थ में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका अगर गोल है आपको 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये बनाने हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करके
देख सकते हैं, ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा आपको मंथली SIP कितनी है। 12,115 रुपीज़ आपको मंथली SIP करनी है तभी तो जून 2042 तक, 2042 तक आपके पास 1 करोड़ रुपए आपकी वेल्थ हो जाएगी। तो वैसे ही आप अपने गोल सेट यहाँ पे से कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिंगल है मैरिड है वो डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी सिटी डाल देंगे जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको मंथली इनकम डाल लेनी है, मान लेते हैं आपकी मंथली इनकम 65,000 है, और यहाँ पे आपके मंथली एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 30,000 हैं, एंड मंथली EMI आपकी 20,000, 20 जितनी भी आप है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, उसके बाद हम डन करने के बाद तो यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग स्कोर इनने किया है 100 में से 42 हमको यहाँ पे इनने स्कोर किया है। तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी हमारी प्लानिंग है वो उतनी कुछ खास नहीं है, इसलिए इनने हमको 100 में से 42 यहाँ पे पॉइंट्स हमको दिए हैं। तो ऐसे ही आप अपना देख सकते हैं, यहाँ से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन नहीं किया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।